कोरोना महामारी दुनिया का पीछा नहीं छोड़ रही है। अब ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 को लेकर जापान में किए गए शोध में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के इस नए उपस्वरूप को तुरंत चिंताजनक वेरिएंट घोषित किया जाना चाहिए। ओमिक्रॉन के BA.2 सब स्ट्रेन या उपस्वरूप को लेकर किए गए इस अध्ययन के निष्कर्ष बतौर कहा गया है कि ये न केवल तेजी से फैलता है बल्कि गंभीर रोग भी पैदा कर सकता है। इस शोध रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका के लोक स्वास्थ्य वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक फीगल्डिंग ने BA.2 को तुरंत चिंताजनक स्वरूप घोषित किए जाने की मांग की है। अमेरिकी विशेषज्ञ ने इसलिए BA.2 को बताया चिंताजनक। टोक्यो के एक विश्वविद्यालय के डॉक्टर ने इस पर शोध किया है और BA.2 सब वेरिएंट तेजी से फैलता है, वो संक्रमित को गंभीर रूप से बीमार करता है। पिछले सप्ताह WHO ने सावधान करते हुए कहा था कि BA.2 स्ट्रेन BA.1 की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। अध्ययन के तहत खरगोश को ओमिक्रॉन के BA.1 स्वरूप और BA.2 उपस्वरूप से संक्रमित कराया गया। शोध में पता चला कि BA.2 से संक्रमित हैमस्टर के फेफड़ों में संक्रमण भी हद बदतर हो गया, यहाँ तक कि इसमें संक्रमित खरगोश के फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए। BA.2 सब स्ट्रेन इसी माह डेनमार्क और ब्रिटेन में पाया गया है। ये टीकों से तैयार हुई एंटीबॉडी के लिए भी प्रतिकूल है। जो लोग कोविड के पूर्व के वर्जनों से संक्रमित हो चुके हैं उनकी एंटीबॉडी के लिए भी BA.2 प्रतिरोधी पाया गया है। शोध में ये भी पाया गया है कि BA.2 ने अब BA.1 की जगह लेना शुरू कर दी है, यानी ये अब तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के मूल स्वरूप की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। हालांकि BA.2 को ओमिक्रॉन का एक प्रकार माना गया है, लेकिन इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग मूल स्वरूप BA.1 से पूरी तरह अलग है। इस तरह ओमिक्रॉन के ये दोनों वेरिएंट कोरोना वायरस के पूरी तरह से अलग गुणों वाले हैं। ओमिक्रॉन पिछले साल नवंबर में बोत्सवाना व दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, उसके बाद से ये कई देशों में फैल चुका है। इसने अब इसके पूर्व के वेरिएंट का स्थान ले लिया है। कोरोना वायरस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।